हेलो एवरीवन, एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फूड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जिसमें कि हमारा मेन जिस्ट ये था कि जाइलम टिश्यू जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दैट इज़ एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा था, दैट इज़ वेसल्स करता है। एंड जिम्नोस्पॉर्म की अगर हम बात करें तो ट्रैकेट्स करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने थ्योरी देखी थी, दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन पुल की थ्योरी जो थी, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आज हम बात करने वाले हैं फूड ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, राइट? तो सपोज कीजिए दिस इज़ अ प्लांट एंड दिस इज़ अ लीफ एरिया। आपको पता है लीफ एरिया में दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस किया जाता है। फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ व्हाट? शुगर। और यही शुगर क्या है? प्लांट के लिए फूड का काम करता है। तो खाना तो बन रहा है दैट इज़ इन द लीफ एरिया, दैट मीन्स फूड का सिंथेसिस लीफ एरिया में हो रहा है, लेकिन प्लांट में ऐसे बहुत से पार्ट हैं जिनको की ज़रूरत होती है फूड की, जैसे कि हो गया रूट, हो गया ग्रोइंग, कोई ग्रोइंग पार्ट हो गया प्लांट का, जैसे कि हो गए बर्ड्स, इसके अलावा दैट इज़ द फ्लावर फ्रूट्स, इन सबको दैट इज़ शुगर की ज़रूरत होती है। तो एज बिकॉज इस फूड का सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में हुआ है, इसके बाद इसे जो है दैट इज़ जहाँ भी नीडी एरिया होगा, इट मे बी डाउनवर्ड, इट मे बी अपवर्ड, वहाँ पे इसे मूव करना पड़ेगा। इसी मूवमेंट को करवाना जो है, इसी मूवमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं फूड ट्रांसलोकेशन। और इसे करने में जो कंडक्टिंग टिश्यू हेल्प करता है दैट इज़ दी फिलोयम। याद रखने का तरीका, जो बच्चे नॉन बॉटनी के हैं माइट बी वो भूल भी सकते हैं, तो फिलोयम का जब हम प्रोनंसिएशन करते हैं तो एफ आता है, राइट? फिलोयम। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट फिलोयम करवाता है। तो ये चीज़ आपको नीड समझ में आ गई कि व्हाट वाज द नीड टू ट्रांसलोकेट, राइट? अब आते हैं कि फ्लोएम में भी हमने देखा था कि टोटल चार कंपोनेंट होते हैं, राइट? सीव एलिमेंट, सीव एलिमेंट में दैट इज मेनली और सीव ट्यूब आ जाते हैं, सीव सेल्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमने फ्लोएम पैनकाइमा देखा था एंड फ्लोएम फाइबर देखा था। इसके अलावा हमने देखा था दैट इज द कंपेनियन सेल, जिसमें से हमने ये कहा था कि सीव ट्यूब मेनली एंजियोस्पर्म में फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं, एज वेल एज सीव सेल जो है जिम्नोस्पर्म में करते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा आप लोग, CSIR भी पूछता है, गेट भी पूछता है, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज एज अ ग्लूकोज। जो सिंथेसाइजिंग फॉर्म की बात करें कि सिंथेसाइज किस फॉर्म में होता है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज। तो सिंथेसाइजिंग फॉर्म ग्लूकोज होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने का फॉर्म होता है दैट इज सुक्रोज, बिकॉज ग्लूकोज इज वेरी मच रिएक्टिव, जिससे कि चांसेस होते हैं कि ये दैट इज प्रॉपर लोकेशन में पहुंचने से पहले जो है अपना फॉर्म चेंज कर लेगा। सो दैट इज वाई ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए हम इसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी प्लांट इसे कन्वर्ट करता है सुक्रोज में। एंड सुक्रोज के बाद जो है दैट इज सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो सुक्रोज के फॉर्म में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। लेकिन जो फूड का सिंथेसिस हुआ है, अगर अगर ऐसा है कि उसको ट्रांसलोकेट भी नहीं होना है, तब क्या करेगा? तब वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और शुगर को मेनली नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना होता है, एंड दैट इज द रीजन क्यों ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज का अगर आपको लोकेशन बताऊं सिंथेसिस का, तो सुक्रोज आपको दैट इज साइटोसॉल में देखने को मिलेगा, एंड स्टार्च आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा। यहां पे इनका सिंथेसिस होता है, ठीक है? लेकिन जब प्लांट में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, तो हम सिर्फ फूड नहीं कहते, हम कहते हैं फ्लोएम सैप, यानी देयर शुड बी अ मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ वाटर, अमाइनो एसिड, शुगर, आयन, ऑर्गेनिक एसिड, फाइटोहार्मोन, आयंस, इन सब का मिला के एक साथ जो है ट्रांसलोकेशन किया जाता है, जिसमें फूड भी इंक्लूडेड होता है। इन सबको एज बिकॉज ये एक मिक्सचर है जो कि फ्लोएम के अंदर क्रिएट हुआ है, दैट इज वाई वी यूज टू टर्म इट एज अ फ्लोएम सैप।
ठीक है। आयंस में भी ट्रांसपोर्ट होने वाला पोटेशियम आयन सबसे ज्यादा अबंडेंट माना जाता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ फ्लोएम, यू कैन सी हियर दिस इज अ सीव ट्यूब, ठीक है। सीव ट्यूब में यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट इज सीव प्लेट, प्लेट में आपको छोटे छोटे से पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ये मेनली जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज फॉर दी एंजियोस्पर्म, क्योंकि सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म में ही होता है। इनफैक्ट एंजियोस्पर्म में जो है एक और प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पी प्रोटीन, फ्लोएम प्रोटीन, जो कि जो भी डैमेज होते हैं फ्लोएम में उनको सील ऑफ करने का काम करता है। तो यहाँ सीव ट्यूब है, ये रहा सीव जिसमें कि दैट इज योर फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, ये रहा कंपेनियन सेल जो कि ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करते हैं एज वेल एज मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं, और फूड का ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरीके से होता है, या फिर अगर इसे अपवर्ड जाना हो तो अपवर्ड फॉर्म में जाता है। तो ये एक पिक्चर के थ्रू हमने समझ लिया कि फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। अब अगर आप छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको कि हमें देखना जरूरी है, तो पहले हम बात कर लेते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट के बेसिक्स के बारे में। ओके, फूड के ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा, कौन कौन सा। अगर मान लीजिए दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ लीफ एरिया, ठीक है। अब अगर हम इसी को किसी और एंगल से बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे कि ये रहा प्लांट, प्लांट के अंदर ये रहा सीव ट्यूब, दिस इज अ सीव ट्यूब, ठीक है। सीव ट्यूब के बगल में ये रहा दैट इज द कंपेनियन सेल, और यहां पे रहा दैट इज द बंडल शीथ सेल, या फिर आप कह सकते हो दैट इज द इट्स बेटर टू राइट हियर मेसोफिल सेल्स, नॉट बंडल शीथ, सॉरी, इट शुड बी द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स के अंदर ही दैट इज क्लोरोप्लास्ट रहता है, और हम वहीं की बात कर रहे हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ये मेसोफिल सेल है, या फिर आप इसे नॉर्मल सेल भी कह सकते हो या लीफ सेल भी कह सकते हो। सीधी सी बातें, हम बस बताना चाहते हैं कि ये सोर्स एरिया है, यानी अगर मैं इसको लीफ फॉर्म में बना दूं तो ये कुछ आपको ऐसे इमेजिनेशन में नजर आएगा। ओके, तो इस ढंग से अगर आप देखते हैं तो दिस इज अ सोर्स एरिया। अब यहाँ पे जो खाना सिंथेसाइज होगा उसको क्या देखा जाएगा, यहाँ पे जो खाना सिंथेसाइज हो रहा है वो सबसे पहले जो है दैट इज, अगर ये सिम प्लास्टिक पाथवे लेता है तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वो फूड जो है दैट इज कंपेनियन सेल में आएगा। तो कंपेनियन सेल में आएगा, कंपेनियन सेल के बाद ये कहाँ लोड हो सकता है, कंपेनियन सेल के बाद ये चला आएगा दैट इज सीव ट्यूब में। अब ये जो यहाँ पे दैट इज आपको ओवरऑल पाथवे देखने को मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दैट इज योर, दिस विल बी दी लोडिंग, इसे हम कहेंगे फ्लोएम लोडिंग। तो ये जो यहाँ पे आपको दैट इज प्रोसेस देखने को मिलेगा कि फूड का ट्रांसपोर्ट दैट इज सोर्स एरिया से सीव ट्यूब में किया जा रहा है, दैट इज वॉट कॉल दी लोडिंग ऑब्लिक फ्लोएम लोडिंग, और यहाँ पे सारा का सारा जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ पर आकर लोड हो जाएगा। तो इसी लोडिंग को जो है दैट इज हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, फाइन। नेक्स्ट क्या देखा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे सीव ट्यूब बनाया है, वेरी ऑब्वियस दैट इज ये एक लॉन्गेस्ट फॉर्म में इस ढंग से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फूड का लोडिंग सीव ट्यूब में हुआ, इसे हमने कहा फ्लोएम लोडिंग एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा क्या देखा जाता है, जब ये फूड सीव ट्यूब में ट्रैवल करेगा तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इज ट्रांसलोकेशन, इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन, और इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो आपने देख लिया कि ट्रांसलोकेशन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होता है एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होता है। नेक्स्ट मान लीजिए कि ये जो एरिया है सोर्स, सोर्स यानी जहां पर फूड का प्रिपरेशन हो रहा है, राइट, यहां पे जो है प्रिपेयर किया जा रहा है फूड को।
अब मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर सोर्स एरिया यहाँ पे नीड है, दिस इज अ रूट एरिया, प्लांट का ये रूट एरिया है और यहाँ पे एक्चुअल में फूड की नीड है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी फिर एक कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगा और उसके बाद ये पर्टिकुलर एरिया दैट इज सिंक कहलाएगा. सिंक यानी दैट इज ए नीडी एरिया, जिसको नीड होती है. तो देखने को क्या मिलेगा कि ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे और इनका फिर दैट इज इनको भेज दिया जाएगा कहाँ पे, पहले कंपेनियन सेल में आएंगे, कंपेनियन सेल के बाद ये चले जाएंगे दैट इज सिंक एरिया में. अब ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पे, जो आपने पूरा का पूरा उल्टा देखा, दिस इज व्हाट कॉल द अनलोडिंग. ओके, दिस इज व्हाट कॉल द अनलोडिंग. तो अनलोडिंग का मतलब जो चीज लेकर आए हैं उसको वापस से अनलोड करना है, मतलब उस एरिया का पूरा वेट हटा देना है, यानी इधर से अनलोड कर दिया गया, सीव ट्यूब में लोड किया गया था, अब इसको अनलोड कर दिया गया. देखने वाली बात ये होती है यहाँ पे कि लोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस माना जाता है, मैक्सिमम एक्टिव प्रोसेस माना जाता है एंड अनलोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस माना जाता है. लेकिन ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस. ओके, और इस एक्टिव लोडिंग ऑब्लिक अनलोडिंग में आपको बहुत से ऐसे सिम्पोर्टर्स हो सकते हैं, सिम्पोर्टर्स जो कि हेल्प करेंगे टू लोड दी फूड आइटम. तो देखा ये जाता है कि जिस प्लांट में दैट इज मैक्सिमम टाइम ये जो लोडिंग एज वेल एज अनलोडिंग होती है ये इसी ढंग से की जाती है. अब लोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो लोडिंग एज वेल एज अनलोडिंग भी दो टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, लोडिंग की अगर हम बात करें तो लोडिंग एपोप्लास्टिक भी हो सकती है, एपोप्लास्टिक एज वेल एज ये सिम प्लास्टिक भी हो सकती है. अगर अनलोडिंग की हम बात करते हैं तो अनलोडिंग भी दोनों टाइप की हो सकती है, अनलोडिंग भी एपोप्लास्टिक हो सकती है एज वेल एज ये सिम प्लास्टिक भी हो सकती है. यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, फूड अगर एपोप्लास्टिक रीजन को यानी इंटरसेलुलर स्पेस को पास करता हुआ आ रहा है तो हम कहेंगे वो एपोप्लास्टिक पाथवे लेकर आ रहा है. और अगर वो लाइक फूड जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा था, अगर फूड इस प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करता हुआ आ रहा है तो हम कहेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू आ रहा है. सिमिलरली अगर अनलोडिंग भी जो है डायरेक्टली दैट इज एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू करवाई जाती है तो हम बोलेंगे दैट इज अनलोडिंग दैट इज एपोप्लास्टिक है. और अगर वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है, दैट इज सिम्प्लास्टिक है. तो इस ढंग से लोडिंग एज वेल एज अनलोडिंग दोनों ही सिम्प्लास्टिक एज वेल एज एपोप्लास्टिक हो सकती है. तो ये कुछ बेसिक्स था कि यस दैट इज लीफ एरिया में जो भी फूड का लाइक फूड बना वो कैसे जो है दैट इज प्लांट में ट्रैवल करेगा. ऑल दो इसका एक मॉडल है वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको कि कवर करना जरूरी होता है. जैसे कि सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि पैटर्न जो है ट्रांसलोकेशन का कैसे होता है, तो हमने क्या देखा, ये पैटर्न कैसे चलता है, दैट इज सोर्स टू सिंक चलता है. ठीक है, सोर्स टू सिंक. सोर्स एरिया कौन होता है, ऐसा दैट इज प्लांट की बॉडी का ऐसा ऑर्गेन जिसके पास फूड की क्वांटिटी उसके यूटिलाइजेशन से बहुत ज्यादा है, मतलब जितने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा उसके पास फूड का स्टोरेज हो रखा है. अब माइट भी वो लीव हो सकता है या फिर स्टोरेज ऑर्गन भी हो सकता है, लेकिन उसके पास फूड का क्वांटिटी उसकी जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है. दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गन विल बी एक्टिंग एज अ सोर्स. इसके बाद मेंशन है दैट इज सिंक. सिंक कौन सा एरिया हो सकता है, ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसको कि उस पर्टिकुलर फूड की जरूरत होगी वो कहलाएगा सिंक. फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शन होता है, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही हो सकता है. कुछ एक आदि यहाँ पे हाइपोथेसिस दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम इस पैटर्न को स्टडी करते हैं, मतलब फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है. तो देखिए, एक प्रोसेस है जिसको कि हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, सेकंड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, थर्ड इज सोर्स टू सिंक थ्योरी एंड द फोर्थ इज फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग. तो अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ट्रांसलोकेशन का कैसा होता है. तो सपोज कीजिए दैट इज दिस इज अ सीव ट्यूब, ठीक है, यानी दिस इज अ फ्लोएम एरिया एंड दिस इज अ जाइलम एरिया. जाइलम एंड फ्लोएम का लोकेशन में ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया था जब मैं रूट का एनाटॉमी आपको समझाई थी, दोनों अगल बगल ही प्रेजेंट रहते हैं. तो सपोज कीजिए ये लीफ सेल है, ठीक है, लीफ सेल से जो है ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल ने सीव ट्यूब को जोड़ के रखा है. जैसे मैंने अभी आपको ये वाला पिक्चर दिखाया था, आई थिंक सी दिस, बिल्कुल यहीं पे जो है कंपेनियन सेल के बगल में एक लीफ सेल यहाँ पे बना दिया गया है, तो उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं.
तो यहाँ पे खाने का प्रोडक्शन हुआ यानी फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या हुआ, इसको ट्रांसलोकेट सॉरी इसको जो है सेंड किया गया दैट इज कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल के बाद क्या होगा, कंपेनियन सेल के बाद फूड को जो है लोड किया जाएगा सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में लोड करने के बाद यहाँ पे जो है दैट इज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो गया है, राइट। और साथ साथ में बगल वाले दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू में वाटर मूव कर रहा है। तो यहाँ का जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है, यहाँ का वाटर का कंसंट्रेशन यानी वाटर पोटेंशियल बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू दिस एरिया। तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा लो हो गया है। अब यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि ऑल दो दे आर डिफरेंट कंडक्टिंग टिश्यू डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर एक्सचेंजिंग द वाटर। दैट मीन्स वॉट, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर ट्रैवल करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फूड का लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे आयंस भी हैं एज वेल एज यहाँ पे दैट इज फाइटो हॉर्मोन्स भी हैं। तो यहाँ पे दैट इज सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे वाटर का अमाउंट कम हो गया, जबकि यहाँ पे जाइलम में जो वाटर ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्लोएम एरिया। तो वाटर जो है ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन भी हो गया एज वेल एज यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, यहाँ पे लोड हो गया दैट इज व्हाट, इसी को हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, ठीक है। यानी कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के अंदर लोड करना दैट इज व्हाट द फ्लोएम लोडिंग। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई है एज कंपेयर टू दिस एरिया। तो वाटर पोटेंशियल हाई है तो क्या होगा, सारा का सारा सॉल्यूशन नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट। इसलिए कहा गया था ट्रांसलोकेशन पैसिव प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे दैट इज योर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये जो लोडिंग प्रोसेस होता है दैट इज अ एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो है पैसिवली जो है दैट इज ट्रांसलोकेट करेगा नीचे की तरफ, यानी जहाँ भी नीड होगी वहाँ पे ये ट्रांसलोकेट करेगा, लेकिन ट्रांसलोकेशन विल बी पैसिव प्रोसेस। इसके बाद ये कहाँ चलाया, इसके बाद ये चलाया दैट इज एट दिस एरिया। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो रूट सेल है ये है सिंक, यानी जिसको जरूरत है खाने की। तो क्या होगा, सारा का सारा दैट इज जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो कंपेनियन सेल में अनलोड होगा, कंपेनियन सेल से जो है सिंक एरिया में जाएगा। जब ऐसा किया जा रहा है तो सारा का सारा दैट इज योर सॉलिड मॉलिक्यूल अनलोड किया जा रहा है, तब यहाँ पे देखा जाएगा कि अब जो है वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस एरिया, क्योंकि यहाँ के सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल तो अनलोड हो गए हैं, सिर्फ रह गया है यहाँ पे वाटर। तो जब कंपेयर किया जाता है तो इधर का वाटर पोटेंशियल उस टाइम पे कम पाया जाता है और इस एरिया का वाटर पोटेंशियल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वाटर वापस से डिफ्यूज होकर चला जाता है दैट इज इन द जाइलम। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट हुआ वो मेनली किसके थ्रू हुआ, दैट इज ऑस्मोसिस के थ्रू हुआ, जो कि डिफ्यूजन का एक स्पेशलाइज केस है। और इस तरीके से जो है सारा का सारा मैकेनिज्म कैरी ऑन होता है फॉर दी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो एज बिकॉज यहाँ पे जो वाटर गेन किया, यहाँ पे वाटर गेन करने के बाद क्या हुआ, वाटर का पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ाया गया, क्योंकि पहले के मुकाबले जो वाटर यहाँ पे था उस कंसंट्रेशन को और इंक्रीज किया गया। कब इंक्रीज हुआ, जब यहाँ से हमने वाटर लिया, राइट। यहाँ से जब यहाँ पे वाटर लिया तो वेरी ऑब्वियस पहले के कंपैरिजन में अभी वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गया। तो जब भी कोई सेल या कोई सिस्टम वाटर गेन करता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट। अब ये जो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है इसीलिए हम यहाँ की थ्योरी को हम कहते हैं कि इट इज अ प्रेशर ड्राइवन थ्योरी, प्रेशर ड्राइवन, ओके। तो यहाँ पे जो आपको वर्ड देखने को मिला था प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, उसका मीनिंग यही था कि प्रेशर की वजह से ये पूरा का पूरा ट्रांसलोकेशन कैरी ऑन हुआ। क्योंकि अगर यहाँ पे वाटर ज़्यादा नहीं आता एज कम्पेयर टू दिस एरिया तो वेरी ऑब्वियस वाटर इधर से डाउनवर्ड मूव नहीं करता, या जहाँ भी मूव करना है वहाँ मूव नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी आपने देखी दैट इज मास फ्लो हाइपोथेसिस, एज बिकॉज यहाँ पे सब चीज़ें ग्रुप में फ्लो हो रही हैं दैट इज वाई हम इसे कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमने देखा था सोर्स टू सिंक थ्योरी, जो यहाँ से फूड चला है वो सोर्स से सिंक की तरफ जा रहा है, दैट इज वाई इट इज अ सोर्स टू सिंक थ्योरी। एंड लास्ट वॉज दैट इज द फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग, यहाँ पे जो फूड को दैट इज सीव ट्यूब में दैट इज एंटर करवाया गया दैट इज व्हाट द फ्लोएम लोडिंग, और उसके बाद वापस से फूड को जो है अनलोड किया गया दैट इज इन द कंपेनियन सेल एज वेल एज रूट एरिया में, जो कि सिंक होता है। तो इसे हमने क्या किया, अनलोड किया।
तो इस ढंग से हमने फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग भी कहा। तो कहने का मीनिंग ये कि कहने को देखने में लग रहा है कि यस ये चार हाइपोथेसिस है, लेकिन सबका मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही होता है, नाम अलग अलग है, जिसमें कि हम अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हैं। जैसे कि मास फ्लो हाइपोथेसिस में हम मास पे फोकस करेंगे, प्रेशर फ्लो में हम प्रेशर पे फोकस करेंगे, सोर्स एंड सिंक थ्योरी में सोर्स एंड सिंक पे फोकस करेंगे, एंड फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग में लोडिंग एंड अनलोडिंग पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल पाथवे देखा जाए तो इन इन में से किसी एक को भी एक्सक्लूड करके पूरा पाथवे रन नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक ही पाथवे के थ्रू हमने चारों नाम को जस्टिफाई कर दिया। तो दैट इज वॉट यहाँ मैंशन है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, द ट्रांसलोकेशन ऑफ अ सॉल्यूट इज अ पैसिव प्रोसेस, दैट इज नो डायरेक्ट इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेर एज द फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग मैक्सिमम टाइम इट इज एक्टिव। मेक श्योर मैंने यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा है, इट इज मैक्सिमम टाइम, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी प्लांट स्पीसीज में, मेक श्योर ये प्लांट स्पीसीज के अकॉर्डिंग वैरी करती हैं। ऐसा नहीं है जो मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ सारे प्लांट्स में यही थ्योरी देखने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये वैरी कर सकती है फ्रॉम प्लांट स्पीसीज टू स्पीसीज। तो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिव हो सकती हैं। किसी 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 एक स्पेशलाइज केस में पैसिव कंडीशन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम दे आर, दैट इज द एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट आता है दैट इज फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग अकर थ्रू बोथ सिम्प्लास्टिक एज वेल एज एपोप्लास्टिक, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ओके एक और यहाँ पे पोर्शन है क्या, उसको भी हम डील कर लेते हैं, दैट इज सीक्वेंस को। ठीक है, ओके लेट मी टेक द डिफरेंट कलर। ये जो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एज वेल एज ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इनका ओवरऑल सीक्वेंस कैसा होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सीक्वेंस के बारे में हम सबसे पहले देखें तो लीफ एरिया में, राइट, लीफ सेल में फूड का सिंथेसिस होता है। लीफ सेल में भी कहां पे, दैट इज मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल से खाना कहां ट्रैवल करेगा, मेसोफिल सेल से खाना ट्रैवल करता है दैट इज बंडल शीथ सेल में। व्हाट इज बंडल शीथ सेल, जब सर्कुलर फॉर्म में जाइलम एंड फ्लोएम जो है आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ऐसे करके जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं, उसके चारों तरफ सेल ने उनको जो है दैट इज सर्कुलर फॉर्म में कवर कर रखा होता है। दिस इज व्हाट कॉल द बंडल शीथ सेल, यानी सीधी सी बात है फूड जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू में एंटर कर रहा है। ठीक है, बंडल शीथ सेल से ये कहां पे ट्रैवल करता है, बंडल शीथ सेल से दिस कैन ट्रैवल थ्रू दी योर फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा से ये कहां ट्रैवल कर सकता है, दिस कैन ट्रैवल टू दी कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल से ये कहां ट्रैवल कर सकता है, दैट इज सीव ट्यूब। ओके, अगर ये ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए दिस इज अ सेल एरिया, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये फोर्थ सेल है, और ये वाला एरिया क्या है, दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर फूड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा हो रहा, मतलब यहां बना फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर सीव ट्यूब में आकर लोड हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे दैट इज सिम्प्लास्ट। लेकिन मान लीजिए फूड यहां पर चला था, अचानक से इसने क्रॉस कर लिया एरिया, अब जो है ये दैट इज एक्स्ट्रा सोलर स्पेस के थ्रू आ रहा है, उसके बाद ये सीव ट्यूब में एंटर करेगा, तो अब इसे हम क्या कहेंगे, एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अगर प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प लेता है तब तो ये कहलाएगा दैट इज योर सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट, और अगर ये प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प नहीं लेता है तब हम इसे कहेंगे दैट इज एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। तो इसके साथ हमने देख लिया कि ये काम कैसे करता है, एंड सीव ट्यूब का मतलब भी हो गया दैट इज फ्लोएम एरिया में चला आया है, और सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं दैट इज हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज एनजीओ स्पॉर्म की बात कर रहे हैं, उसी में जो है हमें सीव ट्यूब देखने को मिलता है। तो इसके साथ हमने देख लिया कि ये काम कैसे कर रहे हैं, इनका सीक्वेंस कैसे फ्लो हो रहा है।
तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बंडल शीथ सेल से ये मेसोफिल सेल में जाएगा, नहीं, मेसोफिल सेल से बंडल शीथ में आएगा, बंडल शीथ से फ्लोएम पैनकाइमा, फ्लोएम पैनकाइमा से कंपेनियन सेल, देन सीव ट्यूब में इस ढंग से ये एंटर करेगा, एंड दिस इज दी होल सीक्वेंस ऑफ, आप कह सकते हो दैट इज ओवरऑल ट्रांसपोर्ट। और अगर आपको इमेजिन करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बता दूँ, सपोज कीजिए दिस इज अ लीफ एरिया, ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेल्स आपको देखने को मिलेंगे इसे इसको हम कहते हैं दैट इज मेसोफिल सेल्स, ठीक है। अगर एक लीफ का मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ सेल्स के फॉर्म में, तो दिस इज अ मेसोफिल सेल्स, ये हो जाएंगी दैट इज आपकी मेसोफिल सेल्स। इसी में यहाँ पे जो है दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू जो है रीथ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज रहेंगे, जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे, एंड इसी को हम बोलेंगे बंडल शीथ सेल। सो विद दिस वी आर डन विद द फूड ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दैट इज आयन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है उसके बारे में हम देख लेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED में, एजुकेटिंग WED में, एजुकेटिंग इंडिया।